अपकमिंग हिंदी डब एनिमे इन जनवरी 2024। ये साल है ना खत्म होने वाला है भाई, 2023 है भाई, इंडियन एनिमे कम्युनिटी के लिए काफी ज्यादा पीक रहा है। तुम यकीन नहीं करोगे यार, 90 से ज्यादा एनिमे ना इस साल हिंदी डब में आए। वो इंडियन एनिमे कम्युनिटी का जो एनिमे की ग्रोथ हुई ना वो काफी ज्यादा है। क्रंचीरोल को खुद को इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, वो हिंदी डब भी इतने सारे आए, वो कोई छोटे मोटे हिंदी डब नहीं आए। जुजुत्सु कायसन, स्पाय एक्स फैमिली, चेंसो मैन, माय हीरो एकेडमिया, मतलब ना छोटे मोटे नहीं काफी ज्यादा बड़े एनिमे भी हिंदी डब में आए। आया मान चाहे नारुतो शिपुडन नहीं आया अभी तक हिंदी डब के अंदर, लेकिन फिर भी इस साल में 90 से ज्यादा हिंदी डब एनिमे आया, कोई छोटी मोटी बड़ी बात नहीं है। सोचो इससे पहले हमें ना भाई हिंदी डब एनिमे देखने के लिए भाई ना एक एक साल रुकना पड़ता था, एक आध साल में कभी कार होता था हिंदी डब एनिमे आए, और भाई जो हिंदी डब आते थे ना वो बिल्कुल बेकार होते थे। लेकिन अब जो हिंदी डब आए भाई 90 से ज्यादा एनिमे आ चुके हैं। बात करूँ तो भाई 30 से 40 हिंदी डब ऐसे हैं जो काफी ज्यादा परफेक्टली करेगा है। इंडियन एनिमे कम्युनिटी ना भाई 2023 के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है। अब आ रहा भाई 2024, वो 2024 के अंदर भी नए हिंदी डब एनिमे की अनाउंसमेंट हो चुकी है, और साथ में तमिल एनिमे, तेलुगु एनिमे और हिंदी डब एनिमे तीनों के अनाउंसमेंट हो चुकी है कि जनवरी के अंदर कौन कौन से एनिमे आने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहला हिंदी डब जो एनिमे आ रहा है वो है भाई 7वें नंबर का, द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। इस एनिमे की मैं बात करूं तो भाई ये किसी का एनिमे है, इसके तुम्हें कॉमेडी भी देखने को मिलेगी और थोड़ा रोमांस भी देखने को मिलेगा। इस एनिमे की स्टोरी की मैं बात करूं तो भाई इसकी स्टोरी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इसका मांगा नहीं पढ़ी है और एनिमे तो भाई फ्रेश अभी आ ही रहा है। ये देखने को मिलेगा भाई तुम्हें 5 जनवरी को हिंदी डब के अंदर। अब आ रहा है भाई नंबर 6 का एनिमे, सोलो लीवलिंग। भाई ये एनिमे फिर से बोल रहा हूँ भाई इंटरनेट ब्रेक करने वाला है। ये भाई तुम्हें तमिल, तेलुगु और हिंदी डब तीनों को तीनों भाई ना आपको ना 6 जनवरी को देखने को मिलने वाले हैं। इसके हिंदी डबिंग की बात करूँ तो भाई ना काफी ज्यादा खर्चा कर रहा है क्रंचीरोल, एनिमेशन क्वालिटी में बता रहा हूँ भाई इंटरनेट ब्रेक करने की कैपेबिलिटी रखता है ये एनिमे। पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई है, तुम जाके देख सकते हो। अब हमारी लिस्ट का आ रहा भाई 5वें नंबर का एनिमे, होकाइडो गर्ल्स आर द सुपर एडोरेबल। इस एनिमे का भाई जो एनिमेशन है ना वो काफी ज्यादा बेहतरीन है यार। इसका एनिमेशन क्वालिटी मैंने देखी यार, मैं बता रहा हूँ यदि मैं रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसको 9 की रेटिंग करूंगा। और स्पेशली भाई इस एनिमे की स्टोरी मुझे ना काफी ज्यादा पसंद आई है, क्योंकि भाई ना एक रोमकॉम कैटेगरी के अंदर जो इसकी स्टोरी है ना वो काफी ज्यादा अच्छी है, एक स्कूल टाइप का रोमकॉम टाइप का एनिमे है। इसकी स्टोरी में होता क्या है, जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है ना भाई वो किसी दूसरी शहर से ना होकाइडो के अंदर स्कूल के अंदर ट्रांसफर लेकर आता है। वहाँ पे ना अपने ना स्कूल फ्रेंड से ये मिलता है, इसके लिए पूरा एक नया शहर होता है, यहाँ पे कुछ लड़कियों से ये मिलता है, वो दोस्ती करता है। इस टाइप का मैं रोमकॉम कैटेगरी के अंदर ये एनिमे देखने को मिलता है। इस एनिमे की मैं बात करूँ तो ये आपको ना 8 जनवरी के अंदर हिंदी डब देखने को मिलने वाला है। 4th नंबर का एनिमे जो हिंदी डब में आ रहा है भाई, इसका नाम मैं नहीं पढ़ने वाला, कसम से काफी ज्यादा बड़ा है भाई। लेकिन इसकी बात करूँ तो ये तो मैंने 9 तारीख को, मतलब 9 जनवरी को हिंदी डब करना देखने को मिलने वाला है। इस एनिमे की मैं बात करूँ तो एनिमेशन ठीक ठाक है, ज्यादा बेकार भी नहीं है। इसकी जो मेन कैरेक्टर रहती है वो एक लड़की होती है। अब देखो एनिमे की स्टोरी मुझे नहीं पता, फिर भी यदि इसकी मैं तुम्हें थोड़ी बहुत समरी बताऊँ तो इसकी जो मेन कैरेक्टर रहती है वो एक लड़की होती है। इसके पास ना काफी ज्यादा पावर होती है, वो एक रिकॉर्नेशन टाइप का एनिमे है। इसके एक लड़की मर जाती है, फिर से रिकॉर्नेट होती है दूसरे वर्ल्ड के अंदर। इस टाइप का ये एनिमे है, ये ना आपको ना 9 जनवरी के अंदर हिंदी डब देखने को मिलेगा क्रंचीरोल पर। अब भाई फाइनली ना 3rd नंबर के एनिमे की बारी आ गई है भाई। ये एनिमे मुझे स्पेशली बताऊंगा, जितने सब एनिमे बताएं सोलो लेवलिंग को छोड़ के भाई उन सबसे काफी ज्यादा बेटर होने वाला है। इस एनिमे के नाम की बात करूं तो ये है मेटालिक रॉक्स। भाई इस एनिमे की मैं इतनी ज्यादा तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जो स्टोरी है ना भाई एक साईफाई टाइप का एनिमे, मतलब तुम्हें ना साइबर पंक टाइप का देखने को मिलेगी। इस एनिमे की स्टोरी की फिर भी मैं तुम्हें समरी बताऊं तो एक पूरी दुनिया होती है, इसके अंदर जो हमारी 2 लड़कियां होती है ना भाई ये इंसान नहीं होती है, ये होती है एक रोबोट। ये जो 2 लड़कियां रहती है ना भाई ये कुछ जासूसी का काम करती है। अब देखो मुझे स्टोरी इतनी ज्यादा नहीं पता है, इसकी बात करूँ तो ये आपको 10 जनवरी का देखने को मिलने वाला है। जितने भी एनिमे बताएं सोलो लेवलिंग छोड़ के उन सबसे ज्यादा बेटर है ये। इस लिस्ट के 2nd एनिमे की मैं बात करूं तो भाई वो होने वाला है बुचिगिरी। इस एनिमे को भाई एनिमेट कर रहा है मापा स्टूडियो, तो उसका जो एनिमेशन है ना वो टॉप लेवल होने वाला है। तो मैं पता है इस एनिमे को लेकर ना लोग क्या बातें कर रहा है, ये टोक्यो रेवेंजर का ना राइवल होने वाला है, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है ना भाई वो टोक्यो रेवेंजर से काफी ज्यादा सिमिलर होने वाली है। अब देखो भाई ये मैं नहीं बोल रहा, जो है ना इंटरनेट पर लोग बातें कर रहे हैं टोक्यो रेवेंजर को टक्कर देने वाला। अब देखो ये मैं नहीं मानता है टोक्यो रेवेंजर के जितने टक्कर का होगा, इसको एनिमेट कर रहा है भाई मापा स्टूडियो। मक्खी की तो अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। मेन बात है इसको मापा स्टूडियो बना रहा है, इस वजह से लोग इसको बोलना है टोक्यो रेवेंजर को टक्कर दे सकता है। इसके हिंदी डब रिलीज डेट की बात करूं तो आपको ना 13 जनवरी को देखने को मिलेगा। इस लिस्ट का भाई आखिरी एनिमे मैं बात कर रहा हूँ भाई मैजिक वर्सेस मशल के बारे में। भाई इसका जो सीजन 2 है ना भाई अनाउंस हो चुका है और हिंदी डब में भी आने वाला है। सीजन 2 के अंदर जो हमारा मैशल होता है ना भाई वो डिवाइन बिजनेस से लड़ने चला जाता है। हमें डिवाइन बिजनेस दिखाया गया है सीजन 2 के अंदर। इसके सीजन 2 की बात करें तो आपको 6 जनवरी के अंदर देखने को मिलेगा और हिंदी डब के अंदर भी आ रहा है। तो देखो सारे एनिमे मैंने तुम्हें बता दिया है जो भी हिंदी डब के अंदर आने वाले हैं। अभी तक टोटल 7 एनिमे अनाउंस हुए थे, क्रंचीरोल ने अनाउंस करे थे। तो देखो यार तुम क्रंचीरोल को सपोर्ट कर रहे हो, इतने सारे हिंदी डब एनिमे ला रहा है। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।